हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले। देखें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। भाई आपका नाम? हाजी समाज अहमदपुर से। आप कहाँ से रहने वाले? मैं भिवंडी शहर का। भाई आज जो है आपके बेटे के साथ जो है हादसा हुआ, तो इसके बारे में आप बताएंगे कब और कैसे हुआ, क्या रीजन थी? हम लोग तकरीबन 11:30 बजे घर से निकले थे और मेरा पहले भी हार्ट का प्रॉब्लम हो चुका है। इससे पहले मैं भिवंडी के अपना हॉस्पिटल में एडमिट था, उन्होंने मेरे को सब एंजियोग्राफी का 2D टेस्ट का लिख के दिया है, वो सारी फाइल पेपर मेरे हाथ में था और मेरा बच्चा गाड़ी ड्राइव कर रहा था, मेरी बीवी दूसरी गाड़ी पे थी और हम लोग जा रहे थे और रास्ते में आगे शंकर मंदिर के पास नाकाबंदी थी। अब हम लोग रुकते और वो और आगे वो बीच में, मैं उनका नाम नहीं जानता, वो बीच में ऐसे अपनी जो है लाठी लेके खड़े थे और ऐसा वो करे थे उन्होंने, और जैसे ही गाड़ी उनके पास रुकी उन्होंने डायरेक्ट फटका दे दिया मेरे बच्चे को। तो वो हुआ उससे बहुत ज़्यादा, उसको जब ब्लडिंग शुरू हो गई, उसकी नाक अभी यहाँ डॉक्टर की रिपोर्ट में कि उसकी नाक की हड्डी पूरी डैमेज हो गई है, पूरी तरीके से उसकी हड्डी डैमेज हो गई है और बच्चा मेरा बहुत क्रिटिकल हालत में, उसको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, सारे मामला हैं। बहरहाल ये वो अगर रुका के पूछते करते तो हम जो भी रहता मामला को करते ना, तो ये और उसके बाद जब उसको इतना खून जा रहा था, पूरी पब्लिक ने देखी, वीडियो बनाए, तो मैंने उनको वीडियो में है कि मैं उनको बोला था साहब मेरा बच्चा मर जाएगा, मेरा बच्चा मर जाएगा, लेकिन वो ऐसे कमर से पीछे से उसको पकड़े हुए थे, ये जुल्म है, और उसको अपने साथ घसीटते हुए ले जा रहे थे, पहले रिक्शे में भरा उसको और पीछे से एक एम्बुलेंस भी आई। तो वो ले कहाँ जा रहे थे? पुलिस स्टेशन, वो बोले दवाखाने ही लेके चल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने रिक्शे वाले को फिर बोला कि पुलिस स्टेशन में रिक्शा लो, जबकि एम्बुलेंस साथ साथ में चल रही थी, लोग बोल रहे थे, मैं बोल रहा था साहब उसको एम्बुलेंस में डाल दो, डायरेक्ट हॉस्पिटल ले चल पाए, रिक्शे में जबरदस्ती बिठाए उसको और पूरा वीडियो उसका, और वो करने के बाद उसको पुलिस स्टेशन लेके गए। अभी डॉक्टर आपने जो है यहाँ पर तलवार शिवाजी हॉस्पिटल अपने बच्चे को लेकर आए हैं, आपके बच्चे को डॉक्टर ने क्या कहा, क्या आगे राय दी है कि क्या कैसे करेंगे? डॉक्टर से हमारी जब बात हुई तो डॉक्टर ने ये पूरी तरीके से बताया कि उसकी ये जो नाक की हड्डी है ये पूरी तरीके से डैमेज हो गई, चूर हो गई, ये चपट गई है, ये उसने अल्फाज इस्तेमाल किया कि पूरी हड्डी चपट गई है, सांस नहीं लेते बनेगी, अब उसका जब उससे सर्जरी की जाएगी तो उसको फिर सही करेंगे उससे, लेकिन हम लोगों ने उससे पूछा कि बच्चे की वैसी हालत पहले जैसी रहेगी कि, तो उन्होंने बोला ये हम बोल नहीं सकते। अच्छा, अगर अभी जो आपके बच्चे के साथ ऐसा हादसा हुआ, या आगे आगे क्या डिमांड है, आप क्या चाहते हैं कानून से, कोई इंसाफ के लिए कुछ अपमान करोगे? हम लोग तो यही चाहते हैं ना कि ये जो पुलिस हमला ये जो काम कर रहा है, तो इसका इस तरीके का हक उन्होंने मारने का किसको, किसी के बच्चे को या किसी को भी मारने का हक किसने दिया? आप रुकाओ, फाइन लो या जो भी मामला हैं वो करो, लेकिन इस तरीके से मारा मारी का क्या मतलब? आप जो है भिवंडी के रहने वाले हो, आप मुमरा में कहाँ और किसके लिए आए? मैं मेरे जो हार्ट का प्रॉब्लम हुआ मैंने पहले बताया आपको, तो मैं यहाँ रशीद कंपाउंड में मेरे भाई के घर में मैं रेस्ट ले रहा था, 4-5 दिन से मैं यहाँ हूँ और आज फाइल वगैरह अभी भी मेरे पास है, मैं लेके वो नायर हॉस्पिटल, मेरा बच्चा मेरे को मुमरा स्टेशन छोड़ देता और मैं और मेरी बीवी, और मेरी बीवी दूसरी गाड़ी पे थी बराबर, वो मैं वहाँ से निकल जाता। भाई आपके जो बच्चा जो जा रहा था, आपके बच्चे को किस बेस पे उन्होंने रोका कि आपके पास उसके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं? वो पूछना चाहिए था ना, वो पहले पूछता है अग्नि तो के मार देता है, मारने का क्या है? हाँ वो बच्चा, हाँ आपके जो और भी अधिकारियों ने जो या कर्मचारियों ने आपके बच्चे पे हमला किया, आप उनको पहचान सकते हैं? हाँ मैं पहचान हुआ ना, सब लोगों ने नहीं किया, वो जो जिन्होंने लाठी से मारा मैं उनको पहचान सकता हूँ, प्लस जो आदमी ज़बरदस्ती, मतलब वो भी पुलिस में ही है, उसने ज़बरदस्ती मेरे बच्चे को, पूरी पब्लिक चिल्ला रही है, देखिए वो 3-4 मिनट का वीडियो है, वो उसको इतनी खून चालू है, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे, पीछे एम्बुलेंस भी चल रही है लेकिन एम्बुलेंस में नहीं डालते, उन्होंने उसको रिक्शे में डाला ज़बरदस्ती, और उसको मैं बोलता रह गया साहब मेरा बच्चा मर जाएगा,
हॉस्पिटल या दवाखाना जो करीब था वहाँ दिखाओ ले चलो, लेकिन उन्होंने पहले डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में, और अब वहाँ पुलिस स्टेशन से हम लोग एम्बुलेंस में डाल के यहाँ लेकर आए। अभी यहाँ पर आपके साथ में मुंद्रा पुलिस स्टेशन के कोई अधिकारी वगैरह आपके साथ हैं? अभी तो मेरे साथ कोई भी नहीं है। मुंद्रा से कोई पुलिस स्टेशन से कोई आए हैं? वो जो लोग आए थे शायद वो अभी नहीं है। नहीं, ट्रैफिक पुलिस की बात नहीं करी मैं, मुंद्रा पुलिस स्टेशन के जो ऑफिसर्स कर्मचारी वगैरह आते हैं जानकारी लेने के लिए, आके आपसे बातचीत की? शायद वो एक थे, वो मेरे को बता रहे थे कि अभी ये होएगा अभी ये होएगा। अभी थोड़ी देर पहले जब डॉक्टर ने हम लोगों को बताया उस वक्त शायद वो मुंद्रा पुलिस स्टेशन गए थे।